वित्त वर्ष 2018 का रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो अभी तक का अधिकतम हो सकता है, जो कि एक बुरा संकेत है। यात्री किरायों में समय समय पर किए गए इजाफे के बावजूद रेलवे के मुनाफे पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय रेल का वित्त वर्ष 2018 का ऑपरेटिंग रेशियो 98.5% तक पहुंच सकता है, जो कि अब तक का सबसे खराब स्तर होगा। इससे पहले ये आंकड़ा वित्त वर्ष 2001 में 98.3% पर पहुंचा था और उसके बाद से ये कई साल 90% के ऊपर ही रहा। ऑपरेटिंग रेशियो वो मानक होता है जिससे ये पता चलता है कि एक रुपये कमाने के लिए संस्था को कितना खर्च करना पड़ेगा। रेलवे का मानना है कि सातवें वेतन आयोग के बाद भत्तों और पेंशन की रकम का बोझ ही है जो रेलवे को मुनाफा कमाने से रोक रहा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 2016 के रेल और वित्त बजट के विलय के बाद डिविडेंड और संपत्ति बेचने से हुई आय अब रेलवे की जगह सीधा वित्त मंत्रालय को जाती है, जिससे रेलवे को नुकसान हो रहा है। रेलवे का सैलरी बिल वित्त वर्ष 2018 में 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ गया। पेंशन का भार 10,795 करोड़ रुपए से बढ़ गया और पैसेंजर सब्सिडी का भार लगभग 33,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया। पिछले 6 साल से ऑपरेटिंग रेशियो 90% से ज्यादा ही है और इस साल का लक्ष्य 92.8% रखा गया है। पिछले 4 साल में यात्रियों की संख्या में गिरावट आई, जबकि रेवेन्यू में लगातार इजाफा हुआ क्योंकि यात्रियों का किराया बढ़ा दिया गया। 25 जून 2014 से रेलवे के हर श्रेणी के किराए में 14.2% इजाफा किया गया। नवंबर 2015 से वातानुकूलित श्रेणी की टिकट पर 14% का सर्विस टैक्स लगा दिया गया। इसके अलावा भी समय के साथ साथ रेलवे का किराया बढ़ाया गया है, फिर भी ऑपरेटिंग रेशियो पर इसका कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ा। सवाल ये है कि रेलवे का किराया बढ़ाए जाने के बाद भी ये आंकड़ा रेलवे के मुनाफे में क्यों नहीं दिखता है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।